हेलो स्टूडेंट्स, biology.com में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं संघ आर्थ्रोपोडा, जो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है, बहुत बड़ा संघ है। पूरे जंतु जगत की जितनी भी जातियां आज तक ज्ञात है, उनमें दो तिहाई जातियां इसी संघ की है, वो है आर्थ्रोपोडा। इसलिए ये जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। हर एक एग्ज़ाम की दृष्टि से इससे संबंधित प्रश्न आते हैं और आते रहेंगे आगे भी, बहुत महत्वपूर्ण है। और इसकी जो जातियां हैं वो इतनी हैं कि यदि आप 100 जंतुओं को कलेक्ट करें तो उसमें 70 जंतु जो है वो इसी संघ के निकलेंगे। लगभग दो तिहाई जंतु संघ आर्थ्रोपोडा के ही हैं। इसलिए ये जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, ये सबसे बड़ा संघ है, पूरे जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। साथ ही आप और याद करें कि इसमें वर्ग और गण भी इसी से संबंधित है। चूंकि सबसे बड़ा ये है तो श्योर है कि सबसे बड़ा वर्ग भी इसी में होगा, तो सबसे बड़ा गण भी इसी में है। कोई आपसे पूछे कि सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है, सबसे बड़ा वर्ग, संघ के अंदर हम वर्ग पढ़ते हैं और सबसे बड़ा वर्ग इसी आर्थ्रोपोडा का वर्ग है, वो है इंसेक्टा। इंसेक्टा जिसमें हम इंसेक्ट पढ़ते हैं, कीट पढ़ते हैं, वो सबसे बड़ा संघ है जंतु जगत का। इसी तरह साथ ही साथ आप याद करो, सबसे बड़ा गण, सबसे बड़ा गण, सबसे बड़ा ऑर्डर जो है वो भी इंसेक्टा के भीतर ही एक गण है, जिसका नाम है कॉलियोप्टेरा। कॉलियोप्टेरा जिसमें बीटल्स आते हैं, भृंग आते हैं, जिसमें जिन्हें हिंदी में भृंग कहते हैं, इंग्लिश में बीटल्स कहते हैं, वो जंतु जगत का सबसे बड़ा है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि आर्थ्रोपोडा पूरे जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। इसी के अंदर एक वर्ग है इंसेक्टा, जो सबसे बड़ा वर्ग है, और इसी के भीतर एक गण है कॉलियोप्टेरा, जो सबसे बड़ा गण है पूरे जंतु जगत का। ठीक है, अब बात करते हैं आर्थ्रोपोडा, ये जो शब्द बना है वो कैसे बना। आर्थ्रोपोडा जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है आर्थ्रोज, जिसका अर्थ होता है जॉइंटेड, संधियुक्त, संधित। और दूसरा जो शब्द है वो है पोडोस, पोडा। पोडा का अर्थ होता है फूट, पैर या चलन अंगों के लिए शब्द यूज किया है फूट, यहां उपांग कह सकते हैं इनके। तो इनमें जो उपांग होते हैं, पैर जो होते हैं, जो चलन करने का काम कर रहे हैं, गति करने में जो सहायक है, वो कैसे है, संधित है, जॉइंटेड है। तो इस संघ का सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टर ये है कि इनमें जो चलन अंग पाए जाते हैं, इनमें जो पैर पाए जाते हैं, वो संधित होते हैं, जॉइंटेड होते हैं, यानी कि कई सारे जॉइंट से मिलकर बने हैं, कई सारे सेक्शन में बटे हुए होते हैं। ये इनका सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टर है, इसीलिए नाम पड़ गया इनका आर्थ्रोपोडा। ये जो नाम देने वाले जो वैज्ञानिक थे, इस संघ की स्थापना करने वाले जो वैज्ञानिक थे, वो थे वॉन सीबोल्ट। वॉन सीबोल्ट ने इस संघ की स्थापना की। संघ आर्थ्रोपोडा जो आज हम वर्ड पढ़ रहे हैं, ये वर्ड दिया वॉन सीबोल्ट ने। चलो अब हम बात करते हैं इसके आवास की, फिर हम इसके वर्गीकरण के आधारों की और विभिन्न तंत्रों की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके आवास की। तो इस संघ के ऐसे जंतु हैं जो हर संभव आवास में आपको मिल जाएंगे। ये जल में भी मिल जाते हैं, जिसमें लवणीय जल में भी, तो स्वच्छ जल में भी इस संघ के जंतु मिल जाएंगे। ये थल में भी मिलते हैं, स्थल पर भी ये मिलने वाले हैं। कीट जो है, जो पंख युक्त होते हैं, तो ये तो हवा में उड़ने का गुण भी रखते हैं, तो वायु पर भी मिल जाएंगे। ये वृक्षों पर भी मिल जाएंगे। तो लगभग हर संभव आवास में इस संघ के जंतु मिल जाते हैं। अधिकांश इस संघ के जो जंतु हैं वो स्वतंत्र जीवी होते हैं। कैसे होते हैं?
स्वतंत्र जीवी, यानी कि अपना जीवन अपने हिसाब से जी रहे होते हैं, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है। लेकिन कुछ यहाँ पर जीवी भी होते हैं जो एक किसी दूसरे जीवन पर, किसी दूसरे जीव पर निर्भर हो सकते हैं। तो स्वतंत्र जीवी भी है इसमें ज़्यादातर, लेकिन स्वतंत्र जीवी हैं कुछ परजीवी की तरह भी व्यवहार करते हैं, और हर संभव आवास में ये देखने को मिल जाएंगे, जल थल वायु वृक्षों पर और भी किसी संभव आवास में भी ये मिल जाएंगे। अब बात करते हैं इसके वर्गीकरण के आधारों की। तो इस संघ तक आते आते लगभग सभी जो मुख्य कैरेक्टर हैं, जितने भी वर्गीकरण के आधार हैं, वो लगभग पूर्णतः विकसित वाले होने चालू हो जाते हैं। जैसे इनमें जो शारीरिक संगठन होता है वो अंग तंत्र स्तर का होता है, शारीरिक संगठन अंग तंत्र स्तर का इनमें पाया जाता है। इनमें जो सममिति होती है वो होती है द्विपार्श्व सममिति। कौन सी? द्विपार्श्व सममिति इनमें पाई जाती है, यानी कि जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हो, ये केकड़ा है, क्रैब है, इससे अगर आप एक ऐसे बीच में से एक सीधी लाइन, काल्पनिक रेखा जो मध्य से गुजरे वो हम खींचें, तो दो बराबर भागों में ये बढ़ जाते हैं। तो इनमें सममिति कैसी होती है? द्विपार्श्व सममिति इनमें पाई जाती है। इनका जो शरीर है उसका निर्माण तीन जनन स्तरों से होता है, इसलिए ये त्रिस्तरीय या त्रिकोरकी जीव होते हैं। कैसे होते हैं? त्रिकोरकी, तीन जनन स्तर, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म से ये बनते हैं। तो इसलिए इनका जो शरीर है वो कैसा है? त्रिस्तरीय है या त्रिकोरकी है। बात करें इनमें देह गुहा की, तो इनमें जो है वो वास्तविक देह गुहा पाई जाती है, वास्तविक देह गुहा इनमें पाई जाती है, वास्तविक देह गुहा पाई जाती है। और देह गुहा भी किस प्रकार की? साइजोसीलोम प्रकार की देह गुहा होती है। कौन सी? साइजोसीलोम। वास्तविक देह गुहा भी दो प्रकार की होती है, साइजोसीलोम और एंटीरोसीलोम। तो आर्थ्रोपोड्स जो है उनमें वास्तविक देह गुहा होती है, वो भी साइजोसीलोम प्रकार की। इनकी ये जो देह गुहा है वो देह गुहा को हीमोसील कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हीमोसील कहते हैं। इनमें जो देह गुहा होती है वो हीमोसील कहलाती है। क्यों कहलाती है? क्योंकि इनमें विशेष एक द्रव्य भरा रहता है जिसे हीमोलिम्फ कहते हैं, जिसे हीमोलिम्फ कहते हैं। ये जो हीमोलिम्फ होता है वो कलरलेस होता है। कैसा होता है? कलरलेस, रंगहीन होता है, जिसमें किसी तरह का कोई रंग नहीं होता है। इसलिए आपने देखा होगा अधिकतर इंसेक्ट जो हैं वो रंगहीन होते हैं, उनमें रक्त का रंग कुछ नहीं होता है। जैसे मनुष्य में रक्त का रंग लाल होता है, इनमें जो है रक्त का रंग नहीं होता है, कैसा भी कलरलेस होता है। तो इनमें जो लिम्फ होता है वो हीमोलिम्फ प्रकार का होता है, इसलिए इस गुहा को जिसमें ये भरा है उसे हीमोसील कहते हैं। क्या कहते हैं? हीमोसील कहते हैं। वास्तविक देह गुहा इनमें पाई जाती है। बात करें इनमें नेक्स्ट, इनका जो वर्गीकरण का आधार है वो है खंडी भवन। तो इनमें समखंडी भवन पाया जाता है, समखंडी भवन पाया जाता है। शरीर इनका खंडित होता है, खंडों से मिलकर बना होता है। इनका शरीर कुछ खंडों से मिलकर बना होता है, समान खंडों में बटा हुआ होता है। इनमें समखंडी भवन पाया जाता है। इनका जो शरीर है वो शरीर मुख्यतः है, इनका शरीर मुख्यतः तीन खंडों से मिलकर बना होता है। सबसे ऊपर जो भाग होता है उसे हेड कहते हैं, शीर्ष कहते हैं, सिर कहते हैं। उसके बाद एक और खंड होता है जिसे थॉरेक्स कहते हैं, या हिंदी में इसे वक्ष कहते हैं, वक्ष। तो एक तो हेड या सिर होता है, दूसरा थॉरेक्स या वक्ष होता है, और तीसरा जो इनका भाग होता है शरीर का उसे उदर कहते हैं, एब्डोमन कहते हैं, उदर या एब्डोमन। इस तरह इनका शरीर जो है मुख्यतः तीन खंडों का बना होता है, हेड, थॉरेक्स और एब्डोमन, हेड, थॉरेक्स और एब्डोमन। इस संघ में देखा गया है कि कुछ ऐसे जीव भी हैं जिनमें हेड और थॉरेक्स जो है
वो मिलकर एक इकाई संरचना बनाते हैं। हेड और थोरेक्स एक ही होते हैं, जिसे सिफेलोथोरेक्स या सिरोवक्स कहते हैं। सिर भी मिल गया और वक्स भी मिल गया, तो नाम क्या हो गया, सिरोवक्स, सिफेलोथोरेक्स, सिरोवक्स, सिफेलोथोरेक्स। तो अधिकांश में तो इनका शरीर तीन खंडों से मिलकर बना है, हेड, थोरेक्स और एब्डोमन, सिर, वक्स और उदर में बटा होता है। लेकिन कुछ में जो है हेड और थोरेक्स मिलकर इकाई संरचना बनाते हैं, एक ही रहता है, जिसे सिरोवक्स या सिफेलोथोरेक्स कहते हैं, सिफेलोथोरेक्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमने अभी तक इसके कुछ कैरेक्टर पढ़े। इसके बाद हम इनके तंत्रों को पढ़ेंगे, तब तक आप इसे उतारिए, इसका स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं इसके विभिन्न तंत्रों की। सबसे पहले बात करें इनमें बाह्य कंकाल की, तो इनका बाह्य कंकाल बहुत महत्वपूर्ण है। इनका जो सबसे बाहरी जो क्यूटिकल का जो आवरण होता है वो काइटीन का बना होता है। किसका बना होता है, काइटीन का। तो बहुत महत्वपूर्ण कैरेक्टर है काइटीन का बाह्य कंकाल, इनमें पाया जाता है बाह्य कंकाल, और वो भी काइटीन का। ठीक है, जो एक क्यूटिकल है इनका सबसे बाहरी आवरण है। बात करें इसके चलन अंगों की, तो इसमें चलन अंग जैसा कि नाम से ही जाहिर है वो कैसे होते हैं, संधित उपांग। इनमें जो चलन होता है, इनमें जो गमन होता है या जो गति होती है वो होती है संधित उपांगों की सहायता से, संधित उपांगों से। और इसी वजह से इस अंग का नाम भी पड़ा, आर्थ्रोपोडा, संधित उपांग वाले जीव। ठीक है, संधित क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये कई सारे जॉइंट से या कई सारे सेगमेंट से बने होते हैं इनके पैर। जैसे हम किसी कीट का अगर हम पैर देखें, किसी कीट के अगर पैर की हम बात करें, तो उस कीट के पैर पांच खंडों के बने होते हैं, पांच विशेष तरह के खंड। जैसे उनका जो सबसे पहला जो सेगमेंट है वो कहलाता है कॉक्सा, पहला खंड कहलाता है कॉक्सा, और उसके बाद में जो दूसरा खंड होता है वो होता है ट्रोकेंटर, कॉक्सा, ट्रोकेंटर। और उसके बाद में जो इसमें तीसरा खंड होता है कॉक्सा, ट्रोकेंटर, तीसरा होता है फीमर, फिर चौथा होता है टीबिया, और पांचवा एक और खंड जिसे कहते हैं टार्सस। टार्सस भी सेगमेंटेड होता है और कई सारे सेगमेंट्स का बना होता है, और बाद में कुछ अंत में स्पाइन्स वगैरह उसमें पाए जाते हैं, जैसे दो स्पाइन या पैड्स वगैरह और होते हैं। तो आप जैसे कि आर्थ्रोपोडा नाम क्यों पड़ा वो आपको इससे समझ में आएगा, क्यों, क्योंकि इस संघ के जितने भी जीव हैं उनके जो पोड़ा होते हैं, जो उनके पैर जो होते हैं, वो कई सारे जॉइंट से मिलकर बने हैं, संधित होते हैं, सेगमेंटेड होते हैं। जैसे मैं एक इंसेक्ट के कीट की बात कर रहा हूँ, उसके पांच महत्वपूर्ण सेगमेंट है कॉक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टीबिया, टार्सस। ठीक है, इस तरह इन पांच खंडों से मिलकर बना है कीट का शरीर, जिसमें टार्सस और अधिक सेगमेंटेड होती है। इसी वजह से ये संघ का नाम पड़ा आर्थ्रोज, आर्थ्रोपोडा। ठीक है, आर्थ्रोज यानी कि संधित। तो दो हमने बात की कि काइटिन का बाह्य कंकाल होता है, इनमें जो चलन होता है, इनमें जो गमन होता है वो संधित उपांगों की सहायता से होता है। फिर हम इनके और तंत्रों की बात करें हम इनमें पाचन की, तो इनमें जो पाचन तंत्र जो होता है वो पूर्ण विकसित होता है। कैसा होता है, पूर्ण विकसित होता है। इनमें विकसित आहार नाल पाई जाती है जो मुख से लेकर गुदा तक पहुंचती है, उसमें और अन्य अंग भी होते हैं। पाचन तंत्र की एक और इनकी मुख्य विशेषता है कि इनमें जो मुखांग होते हैं वो पाए जाते हैं। यहाँ क्या पाए जाते हैं, इनमें विशेष तरह के मुखांग पाए जाते हैं जो भोजन को अंतर्ग्रहण करने में सहायता करते हैं। मुखांग इनके कई तरीके से विकसित हो सकते हैं, कोई काटने और चबाने प्रकार से हो सकते हैं, तो कोई रक्त को
चूसने के हिसाब से हो सकते हैं, फलों के जो रस होते हैं उसे चूसने के हिसाब से हो सकते हैं। तो उनका मुखांग जो है उनके भोजन के व्यवहार पे, वो किस तरह का भोजन खाते हैं उस पर निर्भर हो सकते हैं उनके जो मुखांग है वो। तो इनमें मुखांग पाए जाते हैं, ये एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है, बहुत महत्वपूर्ण कैरेक्टर है। पाचन, पाचन के बाद में हम बात करते हैं इनमें श्वसन की, कि इनमें श्वसन कैसे होता है, रेस्पिरेशन कैसे होता है। तो इनमें श्वसन, क्योंकि ये जो जीव हैं वो हर संभव आवास में है, जल में है, थल में है, वायु में रह रहे हैं, तो इस हिसाब से इनके श्वसन अंग भी जो हैं वो अलग अलग होते हैं। कुछ कीट जो है अपनी सतह से, कुछ आर्थ्रोपोड्स जो है, जो जलीय आर्थ्रोपोड्स है, कुछ जो अपनी सामान्य सतह से ही श्वसन कर लेते हैं। कुछ जलीय जो कीट्स हैं, जो कुछ जलीय और आर्थ्रोपोड्स हैं, उनमें गिल्स पाए जाते हैं, कुछ में बुक गिल्स पाए जाते हैं, तो कुछ बुक लंग्स की सहायता से श्वसन करते हैं। तो कुछ जो अधिकांश जो वायवीय कीट होते हैं उन कीटों में ट्रेकिया पाया जाता है। तो इनमें श्वसन में जो है बहुत ज़्यादा वेरिएशंस देखने को मिल रहा है। ये श्वसन सतह से भी करते हैं, तो कुछ गिल्स से भी करते हैं, कुछ में बुक लंग्स पाए जाते हैं, कुछ में बुक गिल्स पाए जाते हैं, और अधिकांश कीट जो है वो ट्रेकिया द्वारा श्वसन करते हैं। किसके द्वारा? ट्रेकिया द्वारा। तो श्वसन के लिए इनमें कई सारे श्वसन अंग है, सतह, गिल्स, बुक गिल्स, बुक लंग्स और ट्रेकिया। ट्रेकिया सबसे महत्वपूर्ण है, जरूर याद रखना है। ठीक है, हमने बात की श्वसन की, श्वसन के बाद हम बात करते हैं इनके परिसंचरण तंत्र की, परिसंचरण तंत्र की। तो इनमें जो परिसंचरण होता है वो खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है। कैसा होता है? खुला परिसंचरण तंत्र होता है, यानी कि इनमें जो इनका जो द्रव्य होता है, शारीरिक द्रव्य जो होता है वो किसी तरह की नलिकाओं में नहीं बहता, वो खुला ही बह रहा होता है, कोई नलिकाएं नहीं होती है। खुला परिसंचरण तंत्र इनमें पाया जाता है। इनमें हृदय भी पाया जाता है, और हृदय जो होता है वो पृष्ठ सतह पर होता है। कहाँ होता है? पृष्ठ भाग में कह सकते हैं हम, पृष्ठ में होता है। कहाँ होता है? पृष्ठ में। जबकि जितने भी कशेरुकी जो जीव होते हैं उनमें हृदय अधर भाग में होते हैं। ये है अकशेरुकी इनवर्टिब्रेट्स, तो इनमें हृदय हमेशा पृष्ठ भाग में होता है। तो इनका परिसंचरण तंत्र कैसा होता है? खुला होता है, और हृदय हमेशा पृष्ठ भाग में इनमें पाया जाता है। बात करें इनके एक और विशेष कैरेक्टर की, कि इनमें बहुत सारे संवेदी अंग पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? संवेदी अंग इनमें पाए जाते हैं, संवेदनाएं ग्रहण करने वाले अंग इनमें पाए जाते हैं, जो इनका एक विशेष कैरेक्टर है। और इनमें संवेदी अंग कौन कौन से हैं? जैसे एंटीना इनमें पाया जाता है। जैसे आप बहुत सारे कीटों में देखते हो उनके शीर भाग पर दो विशेष रचनाएँ निकली होती है जिसे एंटीना कहते हैं, तो इनमें एंटीना पाया जाता है। इसके अलावा इनमें नेत्र पाए जाते हैं, आंखें भी इनमें पाई जाती है, और आंखें भी दो तरह की इनमें होती है। इनमें सरल नेत्र भी पाया जाता है, तो इनमें संयुक्त नेत्र भी पाया जाता है। कैसा नेत्र? संयुक्त नेत्र भी इनमें होता है, सरल नेत्र भी इनमें पाया जाता है। एक और विशेष संवेदी अंग है जो इन्हें संतुलन का ज्ञान करवाता है, संतुलन बनाने का काम करता है, उसे कहते हैं स्टेटोसिस्ट। ये इसे स्टैटिक बनाए रखने का काम करते हैं, इनका संतुलित बनाए रखने का काम करते हैं इनकी बॉडी को, इनके शरीर को। तो इनमें संवेदी अंग है, एंटीना है, सरल नेत्र है, संयुक्त नेत्र है, स्टेटोसिस्ट जो है इनमें पाया जाता है। इसके बाद हम बात करें इनके तंत्रिका तंत्र की, तंत्रिका तंत्र। तो इनमें जो तंत्रिका तंत्र है वो विकसित तंत्रिका तंत्र है। तंत्रिका तंत्र बना होता है किस किस का? गैंग्लियॉन्स का। इनमें गैंग्लियॉन्स होती है, गुच्छक पाए जाते हैं, नर्व रिंग पाई जाती है, नर्व रिंग पाई जाती है, एक तंत्रिका वलय पाई जाती है, और एक नर्व कॉर्ड पाया जाता है। नर्व कॉर्ड इनमें पाया जाता है, एक तंत्रिका रज्जू इसमें पाया जाता है। और तंत्रिका रज्जू हमने हर बार पढ़ा है, तंत्रिका रज्जू होगा कहाँ? अधर भाग में होगा,
और कैसा होगा? ठोस होगा और दोहरा होगा, डबल होगा, दोहरा। तो इनमें जो तंत्रिका तंत्र है वो बना होता है गैंग्लियॉन्स, गुच्छकों का। एक तंत्रिका वलय पाई जाती है और एक तंत्रिका रज्जु होता है। तंत्रिका रज्जु हमेशा अधर भाग में होता है, दोहरा डबल होता है और ठोस होता है। ठीक है बच्चों, तो हमने कुछ तंत्र यहाँ और पढ़े हैं, इसके बाद हम जनन तंत्र के बारे में और पढ़ेंगे। इसे आप उतारिए या स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद हम जनन तंत्र और पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम बात करते हैं इसमें उत्सर्जन और जनन की। सबसे पहले बात करें कि इसमें उत्सर्जन कैसे होता है। उत्सर्जन, तो इसमें उत्सर्जन के लिए विशेष तरह का एक तंत्र पाया जाता है, विशेष तरह की नलिकाएं पाई जाती है जिन्हें मेलपीघी नलिकाएं कहते हैं। मेलपीघी नलिकाएं, मेलपीघी नलिकाओं द्वारा इनमें उत्सर्जन होता है। कुछ जीवों में, कुछ आर्थ्रोपोड्स में जो है वो ग्रीन ग्लैंड्स भी पाई जाती है, ग्रीन ग्लैंड्स। तो इनमें हरित ग्रंथियां या ग्रीन ग्लैंड्स और मेलपीघी नलिकाओं द्वारा उत्सर्जन होता है। इनमें जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वो अधिकांशतः है यूरिक एसिड होता है, यूरिक अम्ल होता है। जब उत्सर्जन यूरिक एसिड हो रहा है, इसका मतलब किस तरह के जीव हो गए ये? ये हो गए यूरिकोटैलिक। ये कैसे हो गए? यूरिकोटैलिक जीव होते हैं, यूरिक एसिड का उत्सर्जन करने वाले जीव हैं तो यूरिकोटैलिक ये होते हैं। मेलपीघी नलिकाएं या ग्रीन ग्लैंड द्वारा उत्सर्जन करते हैं। इसका मतलब इनमें जो जल का जो नियमन करते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन का जो काम कर रहे हैं, रसोपरासरणी का जो कार्य कर रहे हैं नियमन का, वो मेलपीघी नलिकाएं या ग्रीन ग्लैंड्स कर रही है। बात करें इनमें एक और बड़ा विशेष कैरेक्टर होता है बहुत सारे इंसेक्ट्स और बहुत सारे आर्थ्रोपोड्स में, कि ये इनका जो बाहरी आवरण होता है वो काइटिन का बना होता है। और काइटिन कैसा होता है? एक रिजिड बॉडी होता है, एक दृढ़ होता है। तो जब ये बढ़ेंगे तो बढ़ना इनका, लार्वाओं का विशेषकर, बढ़ना मुश्किल होता है। इसीलिए ये उस कवच को छोड़कर एक नया, फिर से नया कवच ग्रहण करते हैं जिसे कहते हैं मॉल्टिंग। तो इनमें मॉल्टिंग का एक विशेष कैरेक्टर इनमें पाया जाता है। मॉल्टिंग जिसे हिंदी में निर्मोचन कहते हैं, निर्मोचन। जैसे आपने साधारणतः देखा होगा कि सांप जो है वो अपनी केचुली त्यागता है, उसका ऊपरी कवच रह जाता है, उसी को मॉल्टिंग कहते हैं। ऐसा ही कीट भी करते हैं, कीट अपने बाहरी काइटिन आवरण को, काइटिन के आवरण को छोड़ते हैं, और उस छोड़ने की जो क्रिया है, काइटिन के आवरण को मुक्त करना जो है वो मॉल्टिंग कहलाता है या निर्मोचन कहलाता है, या एक डायसिस भी इसे कहते हैं। इसका एक और नाम आपको दिमाग में रखना है, इसे एक डायसिस भी कहा जाता है। एक डायसिस, मॉल्टिंग या निर्मोचन, जो इनका विशेष कैरेक्टर है। अब बात करें इसमें जनन कैसे होता है। तो जब भी हमने जनन पढ़ा, आपको जनन से संबंधित और कौन कौन से वो है लक्षण, उनको भी पढ़ना है। जैसे ये एकलिंगी है या द्विलिंगी है, तो इस संघ के जो अधिकांश जीव हैं वो एक लिंगी होते हैं, यानी कि नर और मादा पृथक पृथक होते हैं। अधिकांश में लैंगिक द्विरूपता भी पाई जाती है, लैंगिक द्विरूपता इनमें पाई जाती है, यानी कि लैंगिक रूप से दो अलग अलग, यानी कि नर और मादा को आप देखकर आसानी से पहचान सकते हो कि ये नर है या मादा है। लैंगिक द्विरूपता होती है, एक लिंगी ये जीव होते हैं। दूसरी बात करें इनमें निषेचन कैसे होता है। तो इनमें निषेचन अधिकांशतः है आंतरिक निषेचन होता है। इनमें अधिकांश जीव जो है वो अंडे देने वाले होते हैं, और अंडे देने वाले जीवों को अंडज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंडज, अंडे देने वाले ये जीव होते हैं। लेकिन जो स्कॉर्पियन होता है, जो बिच्छू होता है, वो जरायुज होता है। तो बहुत कम इनमें जरायुज भी होते हैं। कैसे होते हैं? जरायुज होते हैं, लेकिन ये बहुत कम है। अधिकांश कैसे होते हैं? अंडज होते हैं। बात करें इनके परिवर्धन की, परिवर्धन कैसे होता है। तो परिवर्धन इनमें दोनों तरीके से होता है। इनमें प्रत्यक्ष परिवर्धन भी पाया जाता है, तो इनमें अप्रत्यक्ष परिवर्धन भी मिल जाएगा। अप्रत्यक्ष परिवर्धन होगा तो श्योर है बीच में एक अवस्था आएगी जिसे लार्वा कहते हैं।
कुछ कीटों में, अधिकांश कीटों में लार्वा का भी एक और लार्वा भी जो है उसके बाद एक और अवस्था से गुजरता है जिसे प्यूपा कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, प्यूपा कहते हैं। तो अंडे, अंडे से बनता है लार्वा, लार्वा कई सारी मोल्टिंग करता है 5-6-7, उसके बाद प्यूपा में बदलता है और प्यूपा से फिर वयस्क में बदलते हैं। तो इस तरह बीच में देखो कितनी अवस्था आ गई, लार्वा और प्यूपा, इस तरह का परिवर्धन भी अप्रत्यक्ष परिवर्धन कहलाता है, इनमें अप्रत्यक्ष परिवर्धन होता है अधिकांश में। ठीक है, एक और आपको विशेष कैरेक्टर इनमें याद रखना है कि यहाँ इन जीवों में पेशियाँ तो होती होती है, विशेष पेशी का निर्माण होना चालू हो जाता है। जो सबसे पहले किसी संघ में अगर रेखित पेशियाँ देखी गई तो वो इसी संघ में है, रेखित पेशियाँ का विकास यहाँ इस संघ से चालू हो जाता है, इस संघ में रेखित पेशियाँ भी पाई जाती है जो शुरुआती कैरेक्टर है। सबसे पहले रेखित पेशियाँ अगर किसी संघ में देखी गई तो वो है आर्थ्रोपोडा, इससे पहले वाले किसी भी संघ में हमने रेखित पेशियाँ नहीं पढ़ी है। बात करें अब इसके उदाहरणों की तो हमारी एनसीईआरटी में जो उदाहरण है वो कुछ तो ऐसे हैं। ठीक है, पहले हम एनसीईआरटी की बात कर लेते हैं, फिर बाद में और भी उदाहरण आपको इसके देखने हैं और चाहिए भी, ज़रूरी है। देखो एनसीईआरटी में हमें जो दिखा रखे हैं को, तो उपयोगी सबसे पहले जो दे रखे हैं वो है उपयोगी कौन कौन से आर्थ्रोपोड्स हैं। तो बहुत सारे ऐसे कीट हैं जो हमारे मानव जीवन के लिए इकोनॉमी, पैसे कमाने का स्रोत काम करते हैं, जैसे मधुमक्खी। मधुमक्खी आर्थ्रोपोडा के इंसेक्टा में ही आती है, इस मधुमक्खी से हमें क्या मिलता है, शहद मिलता है, मोम प्राप्त होता है, तो उपयोगी है कि नहीं। इसके अलावा एक है रेशम कीट, कितना महत्वपूर्ण है, इससे प्राप्त होता है हमें रेशम। ठीक है, रेशम कीट बॉम्बेक्स मोराई जो है वो विशेषकर रेशम प्राप्त होता है और रेशम बहुत महत्वपूर्ण है, तो हो गया उपयोगी। इसके अलावा एक और कीट है, वो है लाख कीट, लेसिफर लेक का लाख कीट, इससे लाख प्राप्त होता है, जो डाई और बहुत सारे जो लाख के उपयोग हैं कुछ श्रृंगार की चीज़ें बनाने के काम आता है लाख, तो लाख भी महत्वपूर्ण है, कीट से बनता है लाख कीट, तो ये उपयोगी हुआ कि नहीं। तो ये तो थे उपयोगी जो हमारे एनसीईआरटी में मेंशन हैं। इसके अलावा कुछ दे रखे हैं वाहक का काम कर रहे हैं, वाहक किसके, रोग को ले जाने वाले, ज़्यादातर जो जो मच्छर है इसमें जो हमारे एनसीईआरटी में शो कर रखे हैं वो सभी क्या हैं, मच्छर, ये रोग वाहक हैं, अधिकांश मच्छर जो है रोग वाहक की तरह कार्य करते हैं। जैसे एक का नाम है एनाफ्लीज, आपने बहुत सुना होगा, मादा एनाफ्लीज से मलेरिया फैलता है, मलेरिया की रोग वाहक है मादा एनाफ्लीज। इसके अलावा एडीज मच्छर है, इसके अलावा क्यूलेक्स मच्छर है, ये सभी कई सारे रोगों का वहन करते हैं, कई सारे रोगों का वाहक की तरह कार्य करते हैं। इसके अलावा एक और कीट जो एनसीईआरटी में तो कहीं नहीं है लेकिन ये भी रोग वाहक भी है और रोग भी पैदा करते हैं, रोग उत्पन्न करने वालों की श्रेणी में है, जैसे जिसे कहते हैं हम हमारे सर में पाए जाने वाली जूं, ये भी जो है इंसेक्ट है और रोग पैदा करता है। ठीक है, इसके अलावा एक और कीट, एक और जीव आर्थ्रोपोडा का हमारे एनसीईआरटी में मेंशन है और वो है किंग क्रैब लिमुलस, किंग क्रैब, और इसे कहते हैं, इसका नाम है लिमुलस। ये लिमुलस या किंग क्रैब जो है वो जीवित जीवाश्म है, संघ आर्थ्रोपोडा का जीवित जीवाश्म है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है जीवित जीवाश्म, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है और पूछा जाएगा भी, जीवित जीवाश्म है ये किंग क्रैब या लिमुलस, लिमुलस या किंग क्रैब संगार्थोपोड़ा का जीवित जीवाश्म है, संगार्थोपोड़ा का जीवित जीवाश्म किंग क्रैब और लिमुलस। ठीक है, इसके अलावा अपनी एनसीईआरटी में एक और कीट मेंशन है, एक और कीट दिया हुआ है यूथ पीड़क के रूप में, ग्रिगेरियस रूप से चलने वाले, एक साथ बहुत बहुत बड़े समूह में चलने वाले जीव हैं, और आपने कुछ सालों में, पिछले 2 साल में न्यूज़ में बहुत पढ़ा होगा, और वो है टिड्डा
या लोकस्ट, टिड्डा या लोकस्ट, ये ग्रिगेरियस नेचर के होते हैं। ये समूह में, एक बहुत बड़े समूह में निकलना पसंद करते हैं, बहुत बड़े समूह में उड़ रहे होते हैं, जैसे बादल आ गए हो, कुछ इस तरीके से ये कीट उड़ते हैं। ग्रिगेरियस नेचर के होते हैं, यूथ फीडर होते हैं टिड्डा। ठीक है, ये तो हमारे एनसीईआरटी में मेंशन है, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो मेंशन नहीं है, हमें फिर भी मालूम होना चाहिए कि आर्थ्रोपोडा में ये भी आते हैं। जैसे मैं आपके सामने चित्र भी देता जा रहा हूं और वो आपके दिमाग में आ जाने चाहिए, जैसे बिच्छू, बिच्छू जो होते हैं वो भी संघ आर्थ्रोपोडा में ही आते हैं। दूसरा, जितनी भी मकड़ियां, जितनी भी मकड़ियां हैं वो सभी संघ आर्थ्रोपोडा में ही आती है। स्पाइडर्स, मकड़ियां भी संघ आर्थ्रोपोडा में ही आती है। इसके अलावा दो बड़े विशेष हैं, एक है सेंटीपीड, एक है मिलीपीड। सेंटीपीड और मिलीपीड, एक होता है सेंटीपीड, एक होता है मिलीपीड। सेंटीपीड जिसे कन खजूरा हम कहते हैं, कन खजूरा जो कहते हैं वो संघ आर्थ्रोपोडा का ही जीव है। तो सेंटीपीड और मिलीपीड, ये दोनों दोनों के दोनों जो हैं वो संघ आर्थ्रोपोडा का ही जीव है। इसके अलावा एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण नाम है पेरिपेटस। पेरिपेटस, पेरिपेटस भी बहुत महत्वपूर्ण जीव है, क्योंकि यह संघ एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा की योजक कड़ी कहलाता है। पेरिपेटस संघ आर्थ्रोपोडा और एनिलिडा की योजक योजक कड़ी कहलाता है। कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन एनिलिड्स एंड आर्थ्रोपोड्स, पेरिपेटस, जरूर आपको याद रखना है। इसके अलावा आपने अपने गाय भैंस जो होते हैं उन पे कुछ चिचड़े लगे होते हैं, टिक्स लगे होते हैं, जिन्हें टिक्स कहते हैं, माइट्स कहते हैं, टिक्स, माइट्स, जू, ये भी जो है संघ आर्थ्रोपोडा के ही जीव हैं। क्या है? संघ आर्थ्रोपोडा के ही जीव है। इसके अलावा एक सी फूड्स की श्रेणी में आता है, समुद्री भोजन की श्रेणी में आता है, बहुत सारा व्यापार होता है भोजन के रूप में, और वो है प्रॉन या झींगा मछली। पैलीमॉन, प्रॉन या झींगा मछली, पैलीमॉन, प्रॉन या झींगा मछली, ये भी संघ आर्थ्रोपोडा का ही जीव है। ये आपके बीएससी में आपको इसका डिसेक्शन भी करना होगा, ये आपको उस समय देखने को मिलेगा। इसमें बहुत सारे 19 जोड़ी पैर इसमें पाए जाते हैं, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। झींगा मछली, पैलीमॉन या प्रॉन भी इसे कहते हैं, झींगा मछली भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है मानव के, तो ये भी संघ आर्थ्रोपोडा का ही जीव है। तो साथ ही आपको इनके बारे में भी मालूम होना चाहिए। अपनी एनसीईआरटी में तो ये है ही है, लेकिन आपको जैसे सेंटीपीड, मिलीपीड, मकड़ियाँ, टिक्स, माइट्स, इसके अलावा प्रॉन जो हमारे एनसीईआरटी में श्योर नहीं है लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, ये भी संघ आर्थ्रोपोडा के ही जीव हैं। ठीक है बच्चों, आज हमने आर्थ्रोपोडा को डिटेल से पढ़ा है। इसी तरह जुड़े रहें biology.com के साथ, अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहें। धन्यवाद।